हम शहर के लोगों से यह कहना चाहते हैं कि हम चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति और शिव बरात आयोजन समिति और इंद्रपुर युग नवयुग समिति सभी लोगों ने मिलकर एक भव्य रामोत्सव का निर्माण यहाँ रामोत्सव का आयोजन कर रहे हैं, उसमें हम शहरवासियों से कहेंगे कि आप सब परिवार आएँ, बाल बच्चों को लेकर आएँ, आप यहाँ के कार्यक्रम को देख के ऐसे आपके बच्चों को भी एक सीख मिलेगी, प्रभु राम की जीवनी को जानने का नाट्य मंचन द्वारा यहाँ कार्यक्रम है वो जानने का मौका मिलेगा, आपको यहाँ के सुंदरकांड हनुमान चालीसा जब आपके बाल बच्चे आप सुनेंगे आप मंत्रमुग्ध होंगे, आप में अपने सनातन होने का गर्व भी महसूस होगा, आप हिंदुत्व के प्रति आप जागरूक होंगे आज के बच्चे। हम इस कार्यक्रम में राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे लगातार पूजा पाठ का आयोजन है, प्रसिद्ध गायिका स्वाति मिश्रा जी का भजन संध्या है, आप शहरवासी को कहना चाहेंगे लोग आए यहाँ पे और रामोत्सव का उत्सव का आयोजन में भाग लें, प्रभु की सेवा करने का अपने आप को मौका दे और उनके आशीर्वाद वहाँ जो कलाकार आ रहे हैं जो साधु संत आ रहे हैं उनके आशीर्वचनों से अपने ज्ञान को भी ले। हमारे लिए गर्व का पल है कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद हमारे रामलला 22 जनवरी को अयोध्या में विराजमान होने के लिए तैयार है। इस शुभ अवसर पर चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति में युवराज सुधीर सिंह जी के मित्र रमेश जी के द्वारा आयोजित रांची के मेन रोड में 21 और 22 जनवरी को भव्य राम उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें मैं 21 तारीख को अपना परफॉर्मेंस देने वाली हूं आप सबके बीच, तो आप सब सादर आमंत्रित। भगवान राम के अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का हो रहा है आयोजन, 21 और 22 जनवरी को रांची के मेन रोड में पूरे परिवार के साथ राम उत्सव में भाग ले। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद के ढांचे को ढहाने के कार सेवकों ने बड़ी भूमिका अदा की थी। राजधानी रांची में बीजेपी नेता रमेश सिंह ने कार सेवकों को सम्मानित किया, जिसमें रांची के पूर्व विधायक गुलशन लाल आजमानी भी थे। मुखर संवाद ने कार सेवकों से बातचीत कर उनके अनुभव को जानने का प्रयास किया। राजधानी रांची में कार सेवकों का सम्मान हो रहा है और ऐसे में 6 दिसंबर 1992 का वो दिन जब अयोध्या में राम मंदिर जो बाबरी ढांचे था उसको विध्वंस किया गया था और जिन कार सेवकों ने राजधानी रांची से जाकर अयोध्या में अपनी भूमिका निभाई थी उनको सम्मानित करने का काम किया जा रहा है। राजधानी रांची के विधायक गुलशन लाल आजमानी भी उस समय थे और पूरा नेतृत्व वो कर रहे थे। गुलशन जी, उस समय जो नेतृत्व आप कर रहे थे किस तरह का माहौल था अयोध्या में और किस तरह से आप लोगों ने वो माहौल जबान से बयान नहीं किया जा सकता है। लाखों कार सेवक और दर्जनों हमारे विश्व हिंदू परिषद भारतीय जनता पार्टी संघ के नेता जो हुंकार भर रहे थे और जब बाबरी मस्जिद गिरी थी वो अपने जबान से बयान नहीं किया जा सकता है, वो मतलब ना पहले कभी हुआ ना बाद में होगा। और ये जो भव्य राम मंदिर बन रहा है ये तो आपके सामने है, 500 साल के संघर्ष के बाद ये मंदिर का निर्माण हो रहा है। आपने सोचा था कि आपके जीवन काल में राम मंदिर बन जाए? बिल्कुल नहीं सोचा था, ढांचा गिरते देखा था, लेकिन ये हमारे जीवन का सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य है कि हम मंदिर बनते देख रहे हैं और उसका उद्घाटन होते भी देखेंगे। उद्घाटन हुआ ये आप देख सकते हैं, तमाम लोग हैं, गंगा प्रसाद यादव हैं जो कि विश्व हिंदू परिषद के नेता भी हैं, इन्होंने बड़ी भूमिका अदा की थी कार सेवा में, उस समय का जो अनुभव था और आज जो ये सुखद दिन कल आने वाला है जिस तरह की अनुभूति हो रही है क्या महसूस कर रहे हैं? कभी सोचा था कि आपके जीवन में राम मंदिर बनकर तैयार होगा? वास्तव में हम लोग 90 और 92 दोनों में कार सेवा में गए थे और जब बाबरी ढांचा को हम लोगों ने जो है ध्वस्त किया था और गोलियां चली थी, सैकड़ों हमारे कार सेवक मारे गए थे, विश्वास नहीं हो रहा था कि यह मंदिर का फिर पुनर्निर्माण हो पाएगा, लेकिन आज अपनी आंखों के सामने आज दिखाई दे रहे हैं कि जो है राम मंदिर में कल जो है रामलला प्रस्थापन होगा। हम लोगों से पूछा जाता था, हम लोग नारा लगाते थे रामलला हम आएंगे मंदिर यही बनाएंगे, तो पूछता था तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन आज वह तारीख तय हो गया है और कल जो है और प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है भव्य मंदिर, भव्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। आप और आप जब कार सेवा में गए थे 6 दिसंबर 1992 का वो दिन कुछ याद है आपको? उस दिन क्या हुआ था? पूरे हिंदू समाज के आशीर्वाद से हम लोग भारत पर लगे हुए कलंक को समाप्त करने के लिए अयोध्या गए थे। जो हम सभी कार सेवक
वहाँ पर हम लोग विशेष रूप से घटना का उल्लेख करते हैं कि वहाँ पर हम लोग देखे कि अचानक देखते देखते हजारों कार सेवक विवादित ढांचा की ओर बढ़े। हम उनका उसमें एक सिख बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एक सिख दंपति जो 80 वर्ष के थे वो नाखून से ही बाबरी ढांचा को नोच रहे थे। हम बोले कि नहीं बाबा ऐसा मत कीजिए, उनके हाथों से खून बह रहा था फिर भी वो रुक नहीं रहे थे। हम लोगों ने काफी समझाया कि हम लोग तुरंत इसको गिरा देंगे। वो घटना हमें जीवन भर के लिए स्मरणीय है। और दूसरी घटना कि उस विवादास्पद ढांचा के नीचे से एक विशाल घंटा निकालने में हम लोग 15 लोग मिल करके करीब 3 क्विंटल का घंटा पीतल का उस गर्भगिरी के नीचे से निकाले थे। सब हमारे आंखों के सामने आज भी ताजा है। आपने सोचा था कि आपके जीवन में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएंगे? आशा थी लेकिन निराशा के साथ हम लोग जी रहे थे। दो दो बार कार सेवा हम लोग किए। अभी रामलला ढांचा तो गिर चुकी थी, रामलला का पूर्ण निर्माण करके ही हम अयोध्या से लौटे थे। उनसे मेरा आग्रह, राम जी ठाट में थे, हम लोग ठाट में थे, लेकिन हम लोग प्रयासरत थे। हिंदू समाज ने सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा, समाज के बीच में जागरण किया और आशा थी कि आज निकल जाएगा। लेकिन ईश्वर से प्रार्थना करते कि हे ईश्वर, ये भव्य मंदिर बनेगा तो जरूर, लेकिन हमारे जीवन में बनना जो अच्छा रहेगा, ये आशा ईश्वर से थी। आशाएं थी और उम्मीदें भी थी कार सेवकों को। लेकिन लंबी लड़ाई के बाद अब भगवान राम का मंदिर बन चुका है, रामलला अब विराजमान हो गए हैं, प्राण प्रतिष्ठा कल होने वाली है। ऐसे में राजधानी रांची का ये माहौल निश्चित रूप से अयोध्या के दर्शन दिलाने वाला है। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।